तो जहां तक कल हमने बात की थी उसको ब्रीफली रिकैप कर लेते हैं, और कल कुछ असाइनमेंट हमने लिया था उस पर भी बात कर लेते हैं। तो हमने अपनी ओर ध्यान देना शुरू किया था, और अपनी ओर ध्यान देने के क्रम में दिखता है कि दो वास्तविकताएं हैं, एक मैं और एक शरीर। मेरी आवश्यकता शरीर की आवश्यकता से बिल्कुल भिन्न है। जो भी मेरी आवश्यकताएं हैं वो सारी निरंतर है। इसको अपने आप में भी देख सकते हैं कि कोई ऐसी आवश्यकता है क्या मेरी जो सामयिक है, और शरीर की सारी आवश्यकताएं सामयिक है। ये भी देख सकते हैं कि शरीर कोई ऐसी आवश्यकता है क्या जो निरंतर है। ये भी देख सकते हैं कि मेरी आवश्यकता गुणात्मक है, भाव के रूप में है। शरीर की आवश्यकताएं मात्रात्मक है। मेरी आवश्यकताओं को मात्रा नहीं दी जा सकती, जैसे सम्मान का भाव, विश्वास का भाव, सुख, ये मात्रात्मक वस्तुएं नहीं है, परंतु भोजन, कपड़ा, मकान आदि ये सभी मात्रात्मक है। ये भी देख सकते हैं कि जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती हैं, जबकि मेरी आवश्यकताएं समझ और भाव से पूरी होती हैं। तो इस पर हम थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लें, है ना। ये बात हमने वर्कशॉप में सुनी है, यहाँ थोड़ा सा मैं आपका रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ। क्या लगता है, शरीर की कोई ऐसी आवश्यकता है क्या जो निरंतर हो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, शरीर के लिए हवा की आवश्यकता है, क्या कहेंगे? हवा की आवश्यकता निरंतर है, नहीं है? कुछ रिस्पॉन्स, ज्यादातर रिस्पॉन्स नो है, कुछ रिस्पॉन्स यस भी है। तो ये जो बात जी गणेश जी कह रहे हैं कंटिन्यूस है जी, बढ़िया। थोड़ा विश्लेषण पूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि हम एक बार हवा को लेते हैं, हवा को छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं। तो जो हवा की आवश्यकता है शरीर को वो भी सामयिक है। हम पूरे समय हवा इनहेल नहीं कर सकते, पूरे समय हवा एक्सहेल भी नहीं कर सकते। तो हवा की आवश्यकता भी सामयिक है। परंतु यदि अपने भाव को देखें तो सम्मान का भाव मेरे अंदर बना रहे, ये तो हम हर क्षण चाहते हैं। तो पता लग गया कि दोनों की आवश्यकता अलग अलग है, मैं की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता। क्रियाओं को देखेंगे तो दिखेगा कि शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं वो कुछ ऐसी हैं, जैसे चलना, खाना, सांस चलना, हृदय धड़कना, कि नहीं। और यदि अपनी आवश्यकताओं को देखेंगे, अपनी क्रियाओं को देखेंगे तो पता चला कि मेरी क्रियाएं इस प्रकार है, जैसे इच्छा, विचार, आशा, ऐसा भी निरंतर है। विचार मेरे अंदर निरंतर चलता रहता है, आशा मेरे अंदर निरंतर चलती रहती है, इच्छा बनी ही रहती है। तो इनकी क्रियाओं में भी अंतर दिखाई देगा। कल हम लोग ज्यादातर प्रश्न ही लिए थे, इस पर हम लोगों ने और आगे बात नहीं किया था। फिर एक असाइनमेंट हम लोगों ने लिया था। असाइनमेंट में अगर देखें तो हमें अपनी ओर ध्यान देना था, और ये ध्यान देके पता करना था कि ये अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो मैं और शरीर, इन दोनों वास्तविकताओं पर ध्यान जाता है या सिर्फ शरीर पर ध्यान जाता है जी। तो ये देखना था कि सेल्फ और बॉडी के नीड्स अलग हैं, और ये सिर्फ विचार करने की बात नहीं, इसको देखने की बात है। और जो हमारा मेजर ऑब्जेक्ट है ध्यान देने का, जो ध्येय है दिन भर, वो क्या है, किस मुद्दे पे ज्यादा समय ध्यान बना रहा है जी। हार्ट बीटिंग को भी देखें तो ये कंटिन्यूअस या टेम्पररी है, क्या लगता है? तो हार्ट बीट को थोड़ा सा विश्लेषण पूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि हार्ट हमारा एक बार एक्सपैंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपैंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। न तो कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस है, न एक्सपेंशन कंटिन्यूअस है, कि नहीं। तो क्रियाओं को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि मेरी जो क्रियाएं हो रही है निरंतर हो रही है। इच्छा, विचार, आशा, इच्छा के साथ चित्रण क्रिया जुड़ी हुई है, विचार के साथ विश्लेषण और तुलन की क्रिया जुड़ी हुई है, आशा के साथ चयन और आस्वादन की क्रिया जुड़ी हुई है। तो ये निरंतर हो रही है, परंतु शरीर में जो क्रियाएं हैं बहुत ही रासायनिक क्रियाएं हैं, उसमें टूटना, फूटना, जुड़ना, बढ़ना, घटना, ठीक है ना, ये चलता रहता है, और सब टेम्पररी है। और थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं तो देखता है कि शरीर में पहचानना, निर्वाह करना, यही दो तरह की क्रियाएं हो रही है। तो जैसे शरीर का किसी सुविधा से संपर्क होता है, शरीर का उस सुविधा के साथ एक निश्चित संबंध है, शरीर उसको पहचानता है, उसके अनुसार निर्वाह करता है। जैसे अब ठंड का मौसम बढ़ रहा है, सुबह ठंड बढ़ रही है, आज से 2 महीना पहले जब सुबह निकलते थे तो एक है ना सूती कपड़े में भी निकल सकते थे, अभी अगर बाहर निकलना हो NCR में, नॉर्थ में,
तो आपको एक इनर डालना पड़ता है। तो शरीर का इनर के साथ भी एक संबंध है और जो सूती कपड़ा उसके साथ भी एक संबंध है। अगर अभी सूती कपड़ा पहन के निकले तो ठंड लगेगी, छींक आएगी, जुकाम होगा, तबीयत बिगड़ सकती है। अगर गर्मी के मौसम में इनर पहन के निकले तो पसीना आएगा, पहनने में कठिनाई होगी, उसको पहने रहने में कठिनाई होगी। तो क्या हो गया कि शरीर का इन दोनों कपड़ों से निश्चित संबंध उसको पहचान रहा, निर्वाह कर रहा है। वैसे ही हम देखेंगे कपड़ा है, भोजन है, कोई आसपास की वस्तु है, इन सबके साथ शरीर का एक निश्चित संबंध है, शरीर उसको पहचानता निर्वाह करता है। परंतु यदि हम मैं में देखें तो मैं में इसके अलावा, पहचानने निर्वाह करने के अलावा, एक मानने की क्रिया होती है। हम जैसा मानते हैं वैसा ही हम पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं। तो जैसे कोई गर्मी के मौसम में भी कह दे कि अगर आप इनर पहन के निकलोगे सुबह सुबह तो ऐसी कोई विशेष घटना घटेगी आपके साथ दिन में, आपकी लॉटरी लग जाएगी, तो ऐसा मान सकते हैं कि हाँ सुबह सुबह अगर इनर पहन के निकलेंगे तो दिन में लॉटरी लग जाएगी। या कोई ठंड में कहे कि अगर आप ठंड में भी इनर ना पहने और खाली सूती कपड़े में निकले तो कोई आपको देख कर इम्प्रेस हो जाएगा कि देखो है ना ये क्या साहसी व्यक्ति है। तो हम यहाँ पे भी ये मान सकते हैं कि ठीक है ठंड में भी हम इनर ना पहने सूती कपड़ा पहन के निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई जो नहीं कि इनर पहनना जरूरी है। तो हम जैसा मानते हैं फिर वैसा हम पहचानते हैं, तो सुविधा वही है और उसका संबंध की पहचान बदल गई। कैसे? हमारे मानने के आधार पर कि नहीं, तो जैसा मानते हैं वैसा पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं। एक और क्रिया है जिसको जानना कहते हैं, जिसके लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं। तो जानने का मतलब कि ये सब बातें समझ में आ जाए, ठीक है ना, शरीर क्या है, कपड़ा क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा शरीर से संबंध क्या है, शरीर का कपड़े से संबंध क्या है, ये कपड़ा प्रकृति से आया, इस कपड़े का भी प्रकृति से संबंध क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं, सब किस प्रकार है, उनकी अपने आप में व्यवस्था क्या है, उनकी व्यवस्था में भागीदारी क्या है, मेरी व्यवस्था में क्या भागीदारी है, सिर्फ पूरी पूरे अस्तित्व में सिर्फ इकाइयां ही हैं या कुछ और भी है, तो शून्य क्या है, शून्य में मैं कैसे हूँ, शरीर कैसे है, कैसे हर इकाई स्वयं में एक व्यवस्था के रूप में बनी हुई है, कैसे हर इकाई दूसरी इकाई संबंधित है, कैसे ऊर्जित है, ये सब जानने की वस्तु है ना। और अभी हम जो काम कर रहे हैं सुबह उठकर, ये हम जानने का ही काम कर रहे हैं, जो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं जानने का ही प्रयास कर रहे हैं। इन चीजों को जब हम जानते हैं तो फिर उसके साथ कपड़े के साथ मेरे शरीर का क्या संबंध है वो भी समझ में आता है। अब हम कपड़े का जब चयन करेंगे तो समझ के आधार पर करेंगे, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मानने के आधार पर करते हैं। तो शरीर में देखेंगे तो मानने जैसी कोई क्रिया नहीं है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब हमको दिखता है कि शरीर में मानने जैसी कोई क्रिया नहीं है तो हम शेष प्रकृति को भी ठीक ठीक समझ पाते हैं कि शरीर जैसा ही है या कुछ और है ना। तो शेष प्रकृति में भी देखें तो कुछ वैसी क्रियाएं हो रही हैं जैसा कि शरीर में हो रहा है, और जहाँ पे वैसी क्रियाएं हो रही हैं जो मुझ में हो रहा है वो भी समझ में आता है। तो पूरा प्रकृति हमको जड़ और चैतन्य के रूप में समझ में आता है, हमें दिखता है कि शरीर जड़ है, मैं चैतन्य हूँ, मुझ में मानने की क्रिया हो रही है, जानने की क्रिया हो रही है। ये क्रियाएं जिनमें भी जिन इकाइयों की है, जिन इकाइयों में भी होती हैं, उसको चैतन्य कह रहे हैं, और जहां से पहचाना निर्वाह करना है उसे जड़ कह रहे हैं। तो इस बात की समझ के साथ हमें शेष प्रकृति समझ में आती है, सारी अवस्थाएं समझ में आती हैं, किसे जड़ कहेंगे, किसे चैतन्य कहेंगे, किसे जड़ कहेंगे, किसे चैतन्य कहेंगे। इसको ठीक ठीक न समझ पाने के कारण शेष प्रकृति में भी हमारा उलझन बना रहता है, किसे जड़ कहें, किसे चैतन्य कहें, पौधे को जड़ कहें, चैतन्य कहें, पशु को जड़ कहें, चैतन्य कहें, मिट्टी और पानी को क्या कहें, है ना। तो हम सिर्फ मानने के आधार पर चल रहे होते हैं। जानना तभी हो पाता है जब मैं और शरीर, ये दो वास्तविकताएं ठीक से समझ में आती हैं, इनका सहअस्तित्व समझ में आता है। तो ये है ना, जानना और मानना, ये दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, इस पर ठीक से अपने को काम करना है। जी रविंद्र जी पूछ रहे हैं कि जानने का आधार क्या है। जानना
का अर्थ अगर देखें तो यह है कि मेरे अंदर जो क्रियाएं अभी अजागृत हैं वो जागृत हो जाए, तो जो ब्लॉक B1 की क्रियाएं हैं वो अजागृत हैं, वो जागृत हो जाए। जागृत होने का आधार क्या है कि मैं उन पे ध्यान देता हूँ, तो पता चलता है कि वो जागृत हो या अजागृत हो, उसमें जो क्षमता है जागृत होने की वो बनी हुई है, और क्षमता के आधार पर मेरे अंदर उसका रिफ्लेक्शन मुझे मिलता रहता है, उसका प्रतिबिंबन मुझे मिलता रहता है, और वो मुझे सहज स्वीकृति के रूप में दिखाई देता है। तो मेरे अंदर सहज स्वीकृति पहले से ही बनी हुई है, जानने की क्षमता पहले से ही बनी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, तो इस जो सहज स्वीकृति है इस पर ध्यान देता हूँ। ध्यान देता हूँ तो उसके होने का, कि वो क्रियाएं भी हो सकती है मेरे अंदर, हमें पता लगता है। फिर क्रियाएं किस प्रकार जागृत होंगी ये भी पता लगता है, क्या पेंडिंग है, क्या शेष है जो अभी तक मैंने किया नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं संबंधों में तो जी रहा हूँ, परंतु संबंध में जो भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार हैं उनको मैंने देखा नहीं है, उनको मैंने जांचा नहीं है। तो जानने का आधार स्वयं में देखें तो सहज स्वीकृति है, अस्तित्व में देखें तो सहअस्तित्व है, कि सहअस्तित्व पहले से ही बना हुआ है, मैंने ध्यान भर नहीं दिया है, ये आधार में है। तो सहअस्तित्व पे जैसे मैं ध्यान देता हूँ मेरे अंदर जानने की क्रिया शुरू हो जाती है। सहअस्तित्व पे ध्यान मैं कैसे देता हूँ, क्योंकि सहअस्तित्व की सहज स्वीकृति मेरे अंदर पहले से बनी हुई है, उसी सहअस्तित्व के प्रकटन में व्यवस्था बनी हुई है, उसी सहअस्तित्व के प्रकटन में संबंध बना हुआ है। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से मैं ध्यान देना शुरू करता हूँ, तो पहले संबंध पे ध्यान देता हूँ। संबंध पे ध्यान दे देते व्यवस्थाएं स्पष्ट होने लगती हैं, तो मेरे स्वयं की व्यवस्था क्या है, शरीर की व्यवस्था क्या है, मेरा शरीर से जुड़ाव किस प्रकार है, मेरा दूसरे मानव से संबंध किस प्रकार है, दूसरा मानव किस प्रकार स्वयं में व्यवस्था में बना हुआ है, तो या स्वयं में एक व्यवस्था है, ये सारी बातों को मैं देख पाता हूँ। तो स्वयं में अगर देखें तो आधार है मेरी सहज स्वीकृति, अस्तित्व के स्तर पर देखें तो सहअस्तित्व पहले से ही बना हुआ है। तो जानना और मानना, इन दो क्रियाओं को देखें। अब मानना को अंग्रेजी में देखें तो अज्यूमिंग या एक्सेप्टिंग, दोनों शब्द प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी में वो कठिनाई नहीं है। तो हम जानकर भी बातों को मानते हैं और बिना जाने भी बातों को माने रहते हैं। तो इंग्लिश में दो तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, हिंदी में मानना शब्द पर्याप्त हो जाता है। तो जानने का मतलब है टू सी द रियलिटी एज इट इज, अस्तित्व जैसा है उसको वैसा देखना, और जब उसको देखता हूं तो उसको कंप्लीटनेस में ही देखना बनता है, पूर्णता में ही देखना बनता है। और कैसे देखूंगा, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देखूंगा। जैसे ये काम हम लोग करने वाले हैं कि हमें वर्कशॉप में प्रस्ताव मिले, उन प्रस्तावों को हमने सुना, सुनकर अपने विचार से जोड़ा, उसका विश्लेषण किया, फिर उसको अपने भाव से जोड़ा, तो काफी कुछ है ना ऐसा लगा कि ठीक है। फिर इसको हमने अपनी सहज स्वीकृति से जोड़ कर देखा, तो जहां तक हम उसको देख पाए वहां तक दिखता है कि हाँ बात तो ठीक है, ऐसा ही ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको अपने आप में विचार में चलाते रहते हैं, उसके साथ हम उसको जी कर देखने का भी प्रयास करते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें कई बार अनुकूल परिणाम आते हैं, कई बार प्रतिकूल परिणाम आते हैं, कई बार विचारों में उलझन बढ़ जाती है, कई बार उलझन कम हो जाती है। तो अभी गहमा गहमी चलती रहती है, कल्पनाशीलता में भी, जीने में भी। तो फिर उसके आगे एक काम करना शेष बनता है कि ये गहमा गहमी इसलिए है क्योंकि अभी तक जो कुछ है वो विचार में है ना, अधिक से अधिक बात मुझे अपील कर रही है, अच्छी लग रही है, एक आशा बन रही है कि हाँ ऐसा जीकर मैं भी सुखी हो पाऊंगा, परिवार में भी व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, समाज में व्यवस्था बेहतर होगी, परंतु ये आशा के स्तर पर ही है, एक आशा लगी हुई है कि हाँ ऐसा करने से मैं बेहतर हो जाऊंगा, परिवार बेहतर हो जाएगा, समाज बेहतर हो जाएगा। विचार करने पे थोड़ा सा उलझन बढ़ता है कि अभी जो चल रहा है और जैसा कहा जा रहा है इन दोनों में तालमेल नहीं दिख रहा। भाव के स्तर पर देखते हैं तो भाव बहुत स्पष्ट नहीं होते, कई बार भाव के प्रति होश नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आवश्यकता बन जाती है कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करें, सीधा सीधा देखें कि है क्या, मुद्दा क्या है। तो कहाँ से देखना शुरू करेंगे, देखने वाला मैं ही, तो अपने भाव से देखना शुरू करूंगा। तो ये भाव से देखना शुरू करते हैं, अपने भाव को देखना शुरू करते हैं, फिर उसमें सहस्वीकृत भाव को देखना शुरू करते हैं,
इसके आधार को देखना शुरू करते हैं। ये पूरे जानने की प्रक्रिया है। तो देखिएगा कि जानना अपने आप में निश्चित है, और एक बार जो चीज जान ली वो मेरे अंदर निरंतर बनी रहती है, और जो मैं जान पाता हूँ वही दूसरा भी जानता है। तो अस्तित्व वही है, सहअस्तित्व है ही, वो मुझे भी उपलब्ध है, दूसरे को भी उपलब्ध है, वो सहज स्वीकृति के रूप में मुझे भी उपलब्ध है, अगले को भी उपलब्ध है। मैंने कितना ध्यान दिया, अगले ने कितना ध्यान दिया, इसके आधार पर हमारे जानने का अलग अलग स्तर हो सकता है, परंतु जानना तो निश्चित ही होगा। तो सार्वभौम भी दिखाई देता है। मानने में देखें तो दो संभावनाएं हैं, कि जानने पे के पहले मान रहे हैं या जानने के बाद मान रहे हैं। तो जानने के बाद मानना मतलब कि हाँ, अब मेरी स्वीकृति बन गई, अब मेरी कल्पनाशीलता उसी आधार पर चलेगी। जाने बगैर मानना मतलब कि बाहर से कोई सूचना मिली, उससे हमने कुछ विश्लेषण कर लिया और कुछ हमारे अंदर एक तरह की स्थिति बन गई, उसको जीने गए तो फंस गए, फिर कुछ और सुना, फिर कुछ विश्लेषण किया, फिर जीने गए फिर फंस गए। तो मानने में इस तरह का उलट पुलट चलता रहता है। तो ये जानने के आधार पर भी हो सकता है और बिना जाने भी हो सकता है। पहचानना मतलब संबंध को पहचानना। तो मैं पहचानता हूँ, तो सेल्फ की अगर बात करें तो मेरा शरीर से भी संबंध है, बाहर की जो भौतिक रासायनिक वस्तु उनसे भी संबंध है, जो अन्य मनुष्य हैं उनसे भी संबंध है, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे भी संबंध है। तो मैं इन सबसे संबंधित हूँ, मैं इनको पहचानता हूँ। पहचानना शरीर में भी हो रहा है, बट मेरे अंदर जो हो रहा है वो जानने मानने के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर में जो हो रहा है वो सिर्फ सीधा सीधा पहचानना है, उसमें कोई मानने की क्रिया नहीं है। और निर्वाह करना मतलब कि इसको पूरा करना, जैसा हम पहचानते हैं वैसा हम निर्वाह करते हैं, वैसा जीते हैं। तो हमारी जीने में जो कुल समस्या है वो ये है कि हम जाने बगैर सिर्फ मान कर जी रहे होते हैं। मानों की कुल समस्या इतनी है कि हमने जाने बगैर मान कर जीना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ना करके यदि हम जानने काम कर पाए हम समाधानित होते हैं। तो क्या होता है कि हमने जाने बगैर मान लिया तो बहुत सारी मान्यताएं हमारी बन जाती है, उसको प्री कंडीशनिंग कहते हैं, एज्यूमिंग विदाउट नोइंग। उसमें हमारी जो मान्यताएं हैं वो बदलती रहती हैं। तो हम परिवार में होते हैं तो हम एक तरह से मानते हैं, बच्चा पढ़ने कॉलेज में जाता है अलग तरह से मानता है, परिवार अपना बन जाता है अलग तरह से मानता है, शहर में रहता है अलग तरह से मानता है, गाँव में रहता है अलग तरह से मानता है, ठीक है ना। ये मोबाइल हाथ में आ गया, रोज नई सूचनाएं आ रही, मान्यताएं बदलती रहती हैं। तो ये जो मान्यताएं हैं बदलती रहती हैं, और इसीलिए स्वयं में उलझन या समस्या बनी रहती है, और हमारा आचरण अनिश्चित रहता है, क्योंकि दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने की आशा लगी रहती है, या शरीर से कोई अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने की आशा लगी रहती है, और हम इनका ठीक ठीक मूल्यांकन भी नहीं कर पाते, हमको इनका विकल्प भी नहीं दिखता कि सुखी तो होना चाहते हैं परंतु जानने की क्रिया हो नहीं रही, तो क्या करें, तो बाहर की ओर भागते हैं कि बाहर से कुछ अनुकूल मिल जाए, कोई स्वाद मिल जाए ना, या दूसरे से कोई भाव मिल जाए, दूसरा ध्यान दे दे। तो इस तरह से चलता रहता है। अब इसमें पाएंगे हमारा आचरण अनिश्चित रहता है। इसके स्थान पर यदि हमारे में जानने का काम हो जाए, जो हम स्वयं में जांच परख के आधार पर कर पाते हैं, तो उसमें जो सहज स्वीकृति है उसके आधार पर जांचते हैं, और फिर उसको हम जीने में हम उसको जी कर देखते हैं, हम उसको वैलिडेट करते हैं, उसको हम प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, और उस पूरे क्रम में हमारी स्वयं में स्पष्टता बढ़ती जाती है। इस स्वयं में स्पष्टता बढ़ते हुए कोई ऐसा पॉइंट आने लगता है जहाँ पे ब्लॉक B1 की क्रियाएं एक्टिव होने लगती हैं, तो एक एक भाव का चिंतन होने लगता है। जिस भाव का चिंतन होता है उससे जुड़ी इकाई की व्यवस्था स्पष्ट होने लगती है, उसकी व्यवस्था दिखने लगती है, समझ में आने लगती है। तो अभी हमको प्रस्ताव स्पष्ट हो रहा है, प्रस्ताव स्पष्ट होने के साथ साथ हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, और किसी पॉइंट पे जब ब्लॉक B1 की क्रियाएं, यानी जो जानने का आयाम है, उसकी क्रियाएं जागृत होती हैं, तो उसमें एक निरंतरता हो जाती है। तो जो स्पष्टता थी वो दिखना हो गया, स्पष्टता कल्पनाशीलता में थी, अब वो दिखना हो गया, अब वो ज्ञान का भाग बन गया। ऐसा जैसे जैसे होता जाता है हमारा आचरण निश्चित होता जाता है। ये उसके पहले भी जब तक जानने की क्रियाएं जागृत नहीं हुई है, आचरण में निश्चितता तो बढ़ती जाती है, परंतु उसमें एक संभावना लगी रहती है कि फिर से अनिश्चित हो सकता है, क्योंकि प्रभाव के रूप में भी वो काम कर सकता है।
जैसे हमको ये दिख जाए, ये हमको प्रस्ताव सुनने को मिले कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है, बट हमको अभी पूरा दिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर और मैं का अंतर दिखा नहीं है, तो हम सुविधा की आवश्यकता को पहले से बेहतर पहचान पाते हैं कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है, उसकी सीमा को हम बेहतर ढंग से निश्चित कर पाते हैं। परंतु ये हो सकता है कि कल के किसी प्रभाव में फिर असीमित लगने लगे, ये हो सकता है। तो पता चला कि हमने तो सीमित किया ठीक, परंतु हमारे मित्र ने उसको उतनी छोटी सीमा तो रखी नहीं जैसे हमने बनाई, और देखो ज्यादा सुखी लग रहे हैं मुझसे। हमको लगता है इसको रीवैल्यूएट किया जाए, ठीक है ना? ये बात सुनने के लिए तो ठीक है, बट जीने में मजा नहीं आ रहा, तो फिर से हो सकता है असीमित लगने लगे, तो उलट फेर की संभावना बनी रहती है। परंतु एक बार जो जानने की क्रियाएं हैं, चिंतन, बोध, अनुभव, ये जागृत होने लगे, फिर ऐसी शंकाएं नहीं रहती, क्योंकि जो मूल तत्व है वो हमें स्पष्ट हो जाता है, उसकी तात्विकता है वो हमको स्पष्ट हो जाती है। इसके साथ हम समाधानित महसूस करते हैं, है ना? अब हमारे अंदर उलझन, परेशानी, द्वंद, अंतर विरोध, ठीक है ना, शंकाएं, ये सब नहीं रहती। तो इसको, ये जो समस्या से समाधान की ओर जाना है, यही शिक्षा का प्रयोजन है, यही इस सुबह के सत्र का प्रयोजन है। और ये हम अपने आप में देख भी पा रहे होंगे कि हम धीरे धीरे अब समस्या से समाधान की ओर जा रहे हैं। अब हमको पता लगेगा कि समस्या पैदा करने वाला मैं ही हूँ, कम से कम मुझ में जो समस्या है उसकी जिम्मेदारी मेरी ही है ना? अभी हम बाहर जो कुछ भी चल रहा हो, घटनाएं होती रहती हैं, यदि उनसे मैं समस्याग्रस्त होता हूँ तो जिम्मेदारी मेरी है, ये आपको धीरे धीरे और स्पष्ट होगा। इसे समाधानित होने की जिम्मेदारी भी मेरी है, ठीक है ना? उसी स्थिति में मेरी भागीदारी क्या है, यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ये छोटे से दायरे से जहां कुछ मान के जी रहे होते हैं, उससे निकल कर हम संपूर्णता में आ जाए, तो हम समाधानित हो पाते हैं। तो आज के लिए हमारा असाइनमेंट इस में है कि हम अपने आप में देखें कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं क्या इसी कारण से हैं कि मानने के दायरे में जी रहे हैं, है ना? यानी कोई भी समस्या में यदि मैं हूँ तो उसके आधार में मेरा मानना है। बाहर की परिस्थिति जैसी भी हो, मैं दुखी होता हूँ, समस्याग्रस्त होता हूँ अपने मानने के आधार पर, और मैं समाधानित होता हूँ अपने जानने के आधार पर, परिस्थिति की अनुकूलता से नहीं। इस बात को मूल रूप से देखना है, और जितनी बातें हुई उन सबको भी हम अपने आप एक बार विश्लेषित कर लें। बहुत ही बढ़िया, हमें सत्र को यहाँ पे रोकना होगा, समय हो चला है।